हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी किचन पर। आज हम बनाएंगे खोया पनीर, जिसमें बहुत ही कम सामान लगता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप देख ही सकते हैं मेरा यह पनीर कितना अच्छा बना है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं खोया पनीर बनाने की रेसिपी। खोया पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 2 कटा हुआ प्याज, और ये 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर। हमने इस तरीके से इसका ऊपरी पोर्शन काट दिया है, और इसमें चाकू से थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे क्योंकि हमें इसे उबालना है। और अदरक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हरी मिर्च अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा कर लीजिए, और कम तो आप एक इसे निकाल भी सकते हैं। और इन सारे सब्जियों को उबालने के लिए हमने यहाँ पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, अदरक और हरी मिर्च। इन सबको 1 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। इसमें 1 मिनट तक उबाल आ गया है, और अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर, और इसे भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। ये टमाटर को उबलते हुए 1 मिनट हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, और अब हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे, इससे या ठंडा जल्दी होगा। यह अब ठंडा हो चुका है, और टमाटर के छिलके हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और इन मसालों को हम एक साथ पीसेंगे, और टमाटर को हम अलग पीस के अच्छा सा इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने दोनों मसालों को अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया है, टमाटर का अलग और सभी मसालों का अलग। और अब हम चलते हैं खोया पनीर बनाने की तरफ। तो हमने यहाँ कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, और हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाला है, और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और एक ये छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और ये 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा तड़का ब्राउन हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक का पेस्ट, और इसे 1 मिनट तक भूनेंगे इस तरीके से। इसे चलाते हुए 1 मिनट तक भूनेंगे। हमने इसे 1 मिनट तक भून लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये टमाटर तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारे टमाटर अच्छी तरीके से पक चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया, और ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, और ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे हमारे मसाले नीचे से जले नहीं, और इसे अच्छे तरीके से थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें, और इसमें डालेंगे ये 1 पिंच हींग। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमारे सारे मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं खोया, जिसका इस सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और हम खोया ये वाइट वाला लेंगे,
और इसे इस तरीके से अच्छे से मसल मसल कर मिक्स कर देंगे। आप देख रहे हैं हमने इतना अच्छा सा मसल लिया है। और हमारी ग्रेवी यहाँ गाढ़ी है इसलिए हम इसमें हल्का सा पानी और ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम यहाँ आधा चम्मच डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से पक चुकी है और यह इतनी इसकी थिकनेस इतनी है। आप अपने पसंद के अनुसार इसे थोड़ा सा गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालने चल रहे हैं पनीर। और अगर आपको पनीर बनाना नहीं आता तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पनीर बनाने की रेसिपी देख सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी टिमटिम लग रही है, कितनी स्वादिष्ट लग रही है। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, इसके बाद हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा बना है हमारा खोया और पनीर की सब्जी। ये देखिए यहाँ पर हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। और अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा पनीर ठंडा हो चुका है और अब हम इसे सर्व करेंगे। हमने इसे एक प्लेट में अच्छे तरीके सर्व कर दिया है और इसमें अब थोड़ी थोड़ी सी धनिया की पत्ती डेकोरेशन के लिए डालेंगे। और अब हम इस पे डालेंगे ये थोड़े से काजू। काजू आप चाहे तो पहले मसालों के साथ पीस भी सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो उसे इसमें सब्जी बनाते समय पनीर के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ काजू का इस्तेमाल केवल डेकोरेशन के लिए किया है। और इसी के साथ अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।